आचार्य, आप थकते नहीं है क्या? जो थकते हैं उनका कोई लक्ष्य नहीं होता। आपका लक्ष्य क्या है आचार्य, जो आप इतना तेज चल रहे हैं? इस समय तो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाना। आचार्य, आपके साथ कालद्वीप आने वाली बात तो मैंने मान ली, पर क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? कहो। पहले आप वचन दीजिए आचार्य कि आप मेरी बात मानेंगे। अच्छा आचार्य, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, आप बस मेरी एक बात मान लीजिए। मैं चाहता हूँ कि गुरुकुल लौटने के बाद आप मुझे एक दिन का अवकाश दें, और मैं जो भी करूंगा आप मुझे रोकेंगे नहीं। अर्थात? अर्थात ये आचार्य कि मुझे उस आंबिक की हड्डियां तोड़नी है। यदि आंबिक से तुम अपना प्रतिशोध लेना चाहते हो तो इतने सक्षम हो जाओ कि उसे उसी के खेल में हराओ। ध्वनि भेदन और वीर यात्रा का ध्वज अपने हाथों से फहराओ। वो तो मैं अवश्य करूंगा आचार्य, पर फिर भी मुझे आपसे केवल एक दिन की छूट चाहिए। मैं उस आंबिक को पाठ इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि उसने मुझसे मित्रता करके मेरे साथ विश्वासघात किया है। केवल एक दिन। आचार्य, मात्र एक पल। आचार्य, मेरी तरफ से ये भेंट स्वीकार करें। आचार्य, मैं आपके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं। मेरे प्राण बचाने के लिए हर क्षण मेरी उंगली पकड़कर मुझे सही मार्ग दिखाने के लिए मैंने कई बार आपके नियमों का उल्लंघन किया, आपके विचारों का अनादर किया, पर आपने हर बार मुझे एक अबोध बालक समझकर क्षमा कर दिया। आज ये मूरा पुत्र चंद्रगुप्त इस विश्व के सबसे बड़े शिक्षक को शत शत प्रणाम करता है और ये घोषित करता है कि भले ही लोग आपको सख्त कहें, कठोर समझे, पर आपकी तरह दयालु शिक्षक और कोई नहीं। यदि आपके स्थान पर कोई और होता तो कब का मुझ जैसे मूर्ख का साथ छोड़ देता, पर आपने ऐसा नहीं किया। आचार्य, जो विश्वास आपने मुझ पर दिखाया उसे मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। आचार्य, मेरी तरफ से भेंट स्वीकार करें।